नमस्कार, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। ये मेरी पत्नी हैं, इनका नाम वर्तिका गुप्ता है। हम दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं। पिछले वर्ष अप्रैल माह में ड्यूटी से लौटते समय मेरी पत्नी की जो है ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हो गई थी। ये काफ़ी गंभीर अवस्था में चली गई, काफ़ी लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहीं। उसके बाद में 2-3 महीने कोमा में भी इनकी स्थिति रही। इनकी क्रेनियोप्लास्टी की गई, उसके बाद क्रेनियोटॉमी भी की गई। फिर हमें किसी ने बताया कि आप इनकी जो है फिजियोथेरेपी जो है कराइएगा, तो हमें TMU के बारे में पता चला। हम यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आए। सौरभ सर और अंकिता मैडम से यहाँ पे मुलाकात हुई फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। इन्होंने आकर के हमें बताया कि इन्हें जो है फिजियोथेरेपी की और रिहेबिलिटेशन की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में लगातार हम 6-7 महीने से यहाँ पे जो है फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। काफ़ी इनकी सेहत में जो है सुधार हुआ है। फिजियोथेरेपी से कहा जाए तो एक जो है नया जीवन इन्हें जो है मिला है। और इनकी सारी मसल्स काफ़ी वीक हो गई थी, तरह तरह की एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करा करके उन्हें जो है मजबूत किया गया। और जो है आज उसका परिणाम यह है कि यहाँ पे जो है चलने लायक हैं, रोज़मर्रा के जीवन में अपने सभी काम कर लेती हैं। और जो है हमें इस तरीके की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी कि भविष्य में ये क्या चल पाएंगी या इनकी स्थिति आ जाएगी। मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास तरीके से TMU का। TMU में यहाँ राष्ट्रीय स्तर की जो है चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत ही किफायती और सपोर्टिव तरीके से यहाँ इलाज जो है किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव। टुडे आई विल शेयर अनदर रिहैब जर्नी ऑफ अ हेड इंजरी पेशेंट हु इज वर्तिका गुप्ता, अ 35 इयर्स ओल्ड फीमेल। वर्तिका मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन 18th अप्रैल 2021। आफ्टर दैट शी हैज अंडरवेंट 4 ब्रेन सर्जरीज, क्रेनियोटॉमी फॉलोड बाय क्रेनियोप्लास्टी एंड 2 बर्न होल सर्जरीज। व्हेन शी केम फॉर द फिजियोथेरेपी, She has a weakness in all her 4 limbs, and also her balance and coordination were largely affected. We started her rehab. She has taken a 7-month rehab approximately, and now she can do all her activities on her own. She is a teacher by profession, so she has resumed her job also. She is a totally independent and happy woman now.